नमस्ते, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप आरोग्यता की ओर बढ़ रहे होंगे। अगर आप आलस्य और थकान को बड़े ही आसानी से दूर करना चाहते हैं तो आज का योगासन आपके लिए बड़ा ही अहम होने जा रहा है। इसका नाम है मरकटा आसन। मरकट का मतलब होता बंदर, जिसे अश्वासन भी कहते हैं, और मैं यहाँ क्वीन एंड किंग पोस्चर के नाम से आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्वीन का करेंगे। यहाँ के लिए सबसे पहले कुछ तो हिदायत जान लीजिए कि सुबह जब जगते हैं उसी टाइम पानी पीकर, यानी कि वार्म वाटर पीकर, उसके बाद आप ये करें तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होगा। बेड से उतरकर आप फ्लोर पर आ जाए, मैट बिछा के या जैसे भी आपको लगे। यहाँ आपको सीधा लेट जाना है पहले, जो शवासन की स्थिति है यह है। और इसके बाद अपने पैर को फोल्ड कर लेना है। यहाँ फोल्ड करके आपके दोनों हाथों को फैला लेना है कंधे के सीध में। अब अपने घुटने को बाएं ओर और सर को, ठुड्डी को दाहिने कंधे में सटाना है। सांस को छोड़ता हुआ कुछ देर तक बने रहे, फिर सांस लेता हुआ सेंटर पोजीशन, फिर इसके उल्टा दाहिने तरफ आपके संपूर्ण बॉडी जाएगा, लोअर बॉडी पार्ट, और अपर बॉडी पार्ट यानी कि ठुड्डी आपके बाएं कंधे को सटेंगे। कुछ देर तक बने रहें। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हम अपने लोअर बॉडी पार्ट पर तो काम कर ही रहे हैं, जांघ में, टांग में, घुटने में, एक तो खिंचा हुआ ही रहा। हमारे अपर पार्ट में भी आ रहे हैं, एक मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में भी खिंचाव आ रहे हैं, कमर में ही खिंचाव आ रहे हैं, जो कि हमारे नाभि को, कई लोगों का नाभि डिसलोकेट हो जाता है, इसे सही जगह पर ले आता है। यहाँ आप यह भी महसूस कर पा रहे होंगे कि आपकी पाचन संबंधी जो संस्थान है, जो अंग हैं, प्रत्यंग हैं, उनमें भी एक खिंचाव आ रहा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और यही कारण है कि यह क्वीन पोस्चर आपको और ज़्यादा भूख लगा देता है, क्योंकि आपके एंजाइम्स जो पैंक्रियाज में बन रहे हैं, गॉल ब्लैडर में, लीवर में, ये सब प्रॉपरली फंक्शन करने लग जाते हैं, और तभी आपको भूख भी लगता है, और जब आप खाएंगे ढंग से तब आपको ऊर्जा संचार भी होगा, और आपकी एब्डोमिनल पार्ट से खिंचाव से आपके किसी भी प्रकार की कब्ज है, अजीर्ण है, यह सब विषाक्त पदार्थ जो है, यह सब आपको निकल जाएंगे शरीर से। तो यह तो क्वीन पोस्चर हुआ, जहाँ कि हम अपने दोनों पैर को सटा के रखे हुए थे और दूसरे दूसरे साइड जा रहे थे। अब इसी को ही हम किंग पोज करेंगे। किंग पोज में क्या करना है, हाथ की स्थिति वही रहेगी, एक पैर इधर बाएं और दाहिने इधर, और अपर पार्ट का एक्शन उसी अनुसार होगा, क्वीन जैसा ही। यहाँ कुछ देर तक आप पड़े रहें। कई बार होता है हम फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग का एक्सरसाइज करते हैं, थक जाते हैं, उस टाइम भी आप यह कर लें और फिर देखें आपका शरीर फिर से ऊर्जावान बन जाएगा। कुछ देर तक बने रहें, फिर साइड चेंज। किंग और क्वीन में सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट का अंतर हो रहा दोनों पैर के लिए, अपर पार्ट सेम ही रहेंगे। दोनों हाथ को बिल्कुल फैला के आप मुट्ठी बना के रख सकते हैं। मुट्ठी बनाने से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। बने रहे, आप महसूस कर पा रहे होंगे अगर मेरे साथ कर रहे होंगे तो, आपके पूरे बॉडी में एक खिंचाव आ रहा, जो कि आपके शरीर के अकड़न जकड़न को हटाता है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई भी इसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, ये जस्ट लाइक अंगड़ाई की तरह है। बस यहाँ थोड़ी सी अनुशासन की ज़रूरत है, मूलतः यह अंगड़ाई के जैसा ही है। इस किंग पोस्चर को करके आप अपने लगभग संपूर्ण शरीर पर कार्य कर रहे हैं। तो इसे मैं सलाह दूंगा कि सुबह ही जगते ही कर लीजिए, ताकि अपने शरीर के पूरे आलस्य, थकान को हटाकर, भारीपन को हटाकर, बिल्कुल तरोताज़ा होकर आप चलें। यहाँ थोड़ी सी सावधानियाँ होगी कि जो लोग
बहुत ही ज़्यादा ज़मीन में टच नहीं करा पा रहे हैं, तब भी थोड़ा थोड़ा ही करें, आधा तक ही करें, फिर भी उन्हें लाभ होगा। यह मूलतः हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, कब्ज को, अजीर्ण को दूर कर आपके आलस्य को, जब तक हमारे शरीर में वो विषाक्त पदार्थ रहेंगे तब तक हमें आलस्य आता है। जैसे चाहे वो CO2 एक्सेल करके आप हटा दें या टॉयलेट जाकर हटा दें, तभी हमारे शरीर से आलस्य भी हटता है। तो जब हम इसमें खिंचाव ला रहे हैं, हमारे बड़ी आंत में, रेक्टम में खिंचाव आ रहा, उसके लाइनिंग पर हम काम कर रहे हैं, हम अपने पैंक्रियाज पर काम कर रहे हैं, वो प्रॉपरली इफ़िशियंट हो रहे हैं, और तभी हमारा आलस्य दूर कर थकान को भी दूर करता है। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्ट।